बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा। 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने रिजल्ट को लेकर बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 10वीं और 12वीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए इनके रिजल्ट की डेट की घोषणा कर दी गई है। रिजल्ट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP पर विजिट करके रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, इस बार की बोर्ड परीक्षा में करीब 52 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया था और करीब हाई स्कूल में 25 लाख और इंटरमीडिएट में बच्चों की संख्या 22 लाख रही है। रिजल्ट का इंतजार अभी लाखों छात्रों को है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन परीक्षार्थियों को टॉपर बनाया गया है। टॉपर लिस्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की लिस्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे और किसको बोनस अंक मिले हैं, किन छात्रों को फेल किया गया है, इस लिस्ट को आप कैसे चेक कर पाएंगे और एक क्लिक पर आप अपना रिजल्ट कैसे निकाल पाएंगे, एक एक चीज हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले बात कर ले कि इस बार लोकसभा चुनाव होने हैं जिसके तहत आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो हमारे बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी ने चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी क्योंकि बिना चुनाव आयोग की इजाजत के किसी भी परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता। आचार संहिता लागू होने पर किसी भी कंडीशन में कोई भी चीजें बाधित कर दी जाती हैं। तो इस कारण से हमारे जो बोर्ड के सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ला जी, उन्होंने चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इजाजत भी दे दी है और जल्द ही बच्चों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग अंतिम पड़ाव पर है। हालांकि रिजल्ट को लेकर अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि किस डेट को रिजल्ट आएगा, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट UPResult.NIC.IN वाली वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से रिजल्ट चेक कर पाएंगे या UPMSP.edu.org वाली वेबसाइट से आप रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे।